आज का निबंध है भ्रष्टाचार का दानव। भ्रष्टाचार का दानव स्वार्थ और लोभ के कारण किया गया गैर मानवीय व्यवहार भ्रष्टाचार कहलाता है। कुछ लोग घूस, मिलावट, रिश्वतखोरी आदि कार्यों को अंजाम दे करके भ्रष्टाचार की संज्ञा देते हैं, परंतु यह एक भ्रमपूर्ण धारणा है। भ्रष्टाचार का दायरा बहुत फैला हुआ है और इसका फैलाव चारों तरफ आजकल देखने को मिलता है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों में फूट डालते हैं, किसी विशेष वर्ग के प्रति जातिवाद, पक्षपात, धर्मवाद आदि प्रभावों के लिए काम किया जाता है। अगर राजनीतिज्ञ वोट पाने के लिए समाज को गुमराह करता है तो डॉक्टर अधिक धन के लालच में रोगी को ठीक नहीं करता है। इंजीनियर ठेकेदार से साठ गांठ कर करके सब मिलावट करता है, या अध्यापक कक्षा में ना पढ़ा करके ट्यूशन के लिए प्रेरित करता है। व्यापारी मिलावट करता है या सामान कम तोलता है। पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है। दफ्तर का बाबू ओवरटाइम ना करके रिश्वत लेता है या चपरासी सोया रहता है। ये सब छोटे छोटे व्यवहार भ्रष्ट आचरण के प्रतीक हैं और यह समाज के लिए अमानवीय व्यवहार माना जाता है। दूसरा पॉइंट आता है कि भारत में भ्रष्टाचार का फैलाव कहाँ तक है। आप देखेंगे कि भारत में सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला मिलेगा। ईमानदारी से कार्य कम होता है। बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु तक भ्रष्टाचार का सामना उसे करना पड़ता है। बाजार में नकली दवाइयों का बोलबाला है। कई बार इंजेक्शन की जगह दूषित पानी भरा रहता है जो काफ़ी जानलेवा होता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, हल्दी में पीला रंग, चाय में गोबर, काली मिर्च में पपीते के बीज, दूध में पानी आदि की मिलावट से लोग परेशान हैं। कई बार अखबारों में खबर आती है कि दूषित खाना खाने से बहुत सारे लोग बीमार हो गए या खराब शराब पीने से बहुत सारे लोग मर गए। पेट्रोल में मिट्टी का तेल, कपड़ों पर नकली मोहर, नकली जूते, पुस्तकें, बिजली के उपकरण आदि आपको हर समय मिल जाएंगे। आज विद्यालय में प्रवेश का मामला हो या नौकरी मिलने का, हर जगह भ्रष्टाचार देखने को मिल जाएगा। योग्य छात्र लंबी लाइनों में धक्के खाते हुए मिलेंगे। सरकारी कार्यालयों में तो चक्का तभी घूमता है जब रिश्वत दी जाती है। सरकारी ऑफिस हो, बस हो, बिजली, सबका बुरा हाल है। ऐसे ऐसे अध्यापक हैं जो वर्ष भर स्कूल नहीं जाते और घर बैठे मानसिक आय प्राप्त करते हैं। बिजली विभाग से पता कीजिए कितने लोग बिजली की सरेआम चोरी करते हैं, बिजली के नकली मीटर लगा लेते हैं। पुलिस के भ्रष्टाचार का हर जगह बोलबाला देखने को मिल जाएगा। जब निरपराध लोगों को पुलिस अत्याचार करती है या देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता देश को बेकार बना करके रख देता है, अल्पसंख्यक लोगों के पास अत्याचार किए जाते हैं, ऋण माफ़ी के वायदे किए जाते हैं, दो समुदायों को लड़ाया जाता है, कभी कुर्सी बचाने के लिए मंत्रिमंडल को खरीद लिया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है कि इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है। भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हम स्वयं हैं या हमारा तंत्र ही ऐसा है। बड़े से बड़ा नेता और उससे जुड़े हुए लोग भ्रष्टाचार की कड़ियां बनते हैं। इसलिए भ्रष्ट व्यक्ति भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कभी भी कड़ी कार्रवाई नहीं करता है और यही कारण होता है कि यह बुराई खत्म नहीं हो पाती है। कुछ सामाजिक बुराइयां भी मनुष्य को भ्रष्ट करती हैं। दहेज जुटाने के लिए लड़की का पिता खुलेआम भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है, तो दहेज भी एक कुप्रथा हो गई और उससे उसके कारण जो कार्य किया जा रहा है तो वह भ्रष्टाचार हो गया। भारत के सामान्य वर्ग में अभी
सशक्तता और जागरूकता की कमी है, इसीलिए हम भ्रष्टाचार को जड़ों से नहीं मिटा पा रहे हैं। जब तक भ्रष्टाचार की जड़ है तब तक इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। आम आदमी का जीवन का कोई आदर्श नहीं रह गया है। कोई एक व्यक्ति भ्रष्टाचार का विरोध करता है तो अन्य व्यक्ति उसका साथ निभाते हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना असंभव हो गया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक ये पॉइंट है, पांचवा, भ्रष्टाचार तभी दूर हो सकता है जब हम सब मिलकर के इसके खिलाफ दृढ़ संकल्प लें, और ख़ासकर सबसे शक्तिशाली युवा वर्ग का ये आवश्यक हो जाता है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जड़मूल से उसे उखाड़ने के लिए उठ खड़ा हो। परंतु युवक वर्ग कैसे संगठित होगा? इसके लिए भारत के शिक्षक, साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार सबको एकजुट होकर के देश के नवयुवकों में आचरण की शुद्धता के संस्कार भरने होंगे। यही एकमात्र उपाय होगा कि हम भ्रष्टाचार से कुछ वर्षों में मुक्ति पाने की ओर बढ़ सकेंगे। सरकार के अफसर, चपरासी या दफ्तरों की तो बिसात क्या, बड़े से बड़े धनी और राजनेता भी शुद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे।